अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं शेयर कर रही हूँ जो कि आपके कमिंग बोर्ड एग्जाम्स केमिस्ट्री क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज नंबर 1 दैट सेज व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज एक्सेसिबल टू ह्यूमन। तो ह्यूमन के लिए फ्रेश वाटर कितना एक्सेसिबल है, दैट इज़ लेस देन 1% ऑफ द टोटल क्वान्टिटी ऑन द प्लानट। सो द आंसर इज़ बी। MCQs number 2 says that consider the following reaction and indicate which of the following best describe equilibrium constant expression। तो इसमें ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर मैं इसे KC के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखूँ तो किस तरह लिखा जाएगा। सो द आंसर इज़ बी। MCQ नंबर 3 में पूछा गया है कि आपके पास AgNO3 है और HNO3 है, उन दोनों के रिएक्शन के रिज़ल्ट में जो भी वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे तो वो किस चीज़ की इंडिकेशन करते हैं। तो वो इंडिकेशन करते हैं हैलाइड्स की। पर MCQ नंबर 4 में लिखा गया है कि एक आपके पास CH3CH2 है और ये एक रेडिकल है, आप बताएं ये कौन सा है। तो आपने काउंटिंग करनी है कितने कार्बन हैं। 2 कार्बन होने की वजह से हम इसे इथाइल में कंसिडर करते हैं। MCQs नंबर 5 में लिखा हुआ है दैट विच वन इज़ मोस्ट अबंडेंट इन द एटमोसफेयर। तो कौन सी ऐसी गैस है जो कि एटमोसफेयर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सो दैट इज़ नाइट्रोजन, दैट इज़ मोर देन 75%। देन 6 MCQs पे जाते हैं, पॉलीथीन क्या होता है, पॉलीथीन इज़ अ प्लास्टिक। फिर 7 MCQs पे जाते हैं दैट वाट इज़ द टेस्ट ऑफ अ वाटर। वाटर का टेस्ट ऑफकोर्स इट इज़ अ टेस्ट लेस। नाउ 7th MCQs में लिखा है दैट एनिमल फैट जो हमें काऊ से मिलता है, जिसे लार्ड भी कहा जाता है, वो किस लिए, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द सोप। सोप में अगर आपको याद हो तो फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है दैट फैट और ऑयल इज़ यूज फॉर द सपोनिफिकेशन। तो ये वो वाला फैट है। 9th MCQs में लिखा है कि परमानेंट हार्डनेस की रिमूवल के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है। सो दैट इज़ वॉशिंग सोडा और यू कैन से सोडा ऐश Na2CO3। देन 10th MCQs में लिखा है दैट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। जब क्रूड ऑयल को हीट करके उसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जाता है तो इनमें से कौन सी चीज़ नहीं बनती। सो दैट इज़ अमोनिया। देन 9th MCQs सेज दैट वाटर इज़ लिटमस। वाटर लिटमस में कैसा होता है, लिटमस पेपर में न्यूट्रल होता है। In 12th MCQs, it is written that the earth is surrounded by a layer of gases. So what is it called? It is called atmosphere.